देखो तैयार हो गए और हरि से वचनम थव सादि में शिशु में आपका शिष्य मैं आपकी शरण। तो श्री कृष्ण कहते सर्वधर्मान परित्यजे मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों को छोड़ दे मेरी शरण आ जा। तो भगवान की शरण तो था कृष्ण से तो वो दूर हटता नहीं था, कृष्ण जो कहते थे उसी प्रकार तो वो करता था। नहीं, भगवान कहते मेरी शरण ऐसा नहीं कि रथ पे जो बैठा हूँ 3.5 हाथ वाला उसके पैरों पे नहीं, जहां मैं हूं वहां तू जा विश्रांति ले मेरी शरण। अपने को क्षत्रिय माना व्यवहार में ठीक है, ये मेरे कुटुंबी है, ये मेरे भाई है, ये चाचे और चचेरे भाइयों से लड़ मरना ये ठीक नहीं, वो नहीं वो नहीं, ये ठीक बेठीक तू बुद्धि की शरण है, तू व्यवहार की शरण है, जहां मैं हूं वहां तू आ जा। तो लगेगा कि ये पहले भी थे और तू नहीं मरेगा तो भी तो मरेंगे, अभी तो युद्ध का घोषणा हो गई और अब ममता में आकर कर्तव्य छोड़ता है। नहीं, स्वार्थ रहित हित की भावना से युद्ध कर। तो उनको मारने का हित कैसे होगा, स्त्रियां तो विधवा हो जाएगी और पितरों को तर्पण कौन देगा, तो वो पितर नरक में पड़ेंगे खून से लतपत। ये मेरी धरती फिर मैं राज्य करूंगा तो इसमें हित कहाँ है, ये तो तू तेरी बुद्धि से सोचता है। अब तू मेरी शरण आ तो पता चले क्यों हित नहीं है। श्री कृष्ण जानते थे कि पृथ्वी का भार बढ़ गया है और पृथ्वी सूक्ष्म गौ रूप धारण करके जाकर भगवान को प्रार्थना करती है कि प्रभु आप देवताओं को प्रार्थना करती। और वहां नारद जी थे और नारद जी ने सुनाया था युधिष्ठर को कि युधिष्ठर तुमको जो कुछ करना है भी कर लो, बाद में ऐसा समय आएगा तो तुम आपस में भाई भाई लड़ मरोगे, इसलिए जो कुछ यज्ञ याग शुभ कर्म करने तुम कर डालो। कैसे कि देवताओं के स्वभाव सभा में पृथ्वी आई थी और उसने प्रार्थना की थी, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा काम होगा, धृतराष्ट्र का जो प्रथम पुरुष बेटा है दुर्योधन उसमें कली प्रविष्ट होंगे और वो सारा तेरा भार उतारने के लिए कला करेगा करवाएगा। तो ये युधिष्ठर आप और ये भिड़ जाओगे भाई भाई लड़ मरने की, ऐसी पहले से व्यवस्था है। तो कृष्ण जानते थे फिर भी टालने का प्रयत्न देखो युधिष्ठर ने भी किया हमने भी किया, युद्ध नहीं टला तभी तो हम युद्ध के मैदान में आ गए, तो अब तू अपनी मति गति से कितना टालेगा। ये तो ममता है जब नियति है इस प्रकार सफाई करने की, क्योंकि पापी बढ़ गए हैं तो पापी मरेंगे तो पाप करना बंद होगा और युद्ध करते मरेंगे तो उनकी सदगति होगी, और जो अच्छे लोग हैं वो युद्ध जीतेंगे तो संसार में अच्छाई चलेगी। तो सृष्टिकर्ता की ऐसी व्यवस्था है तो उसमें तो तुमको चलना ही पड़ेगा, तुम अपनी कल्पना की शरण क्यों लेता है। कितनी ऊंची बात सनातन धर्म की। तो आप चाहते कभी सब लोग ध्यान से सुने, महिला आश्रम में खास आप चाहते कि मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने रहे, लेकिन बेटे के ग्रह हैं घूमने के भटकने के तो नहीं रहेगा सामने। अब तुम दुखी होकर अपना हानि करो अथवा नियति मानकर चलो, आपकी मर्जी की बात। सचमुच बेटा के ग्रह ब्रह नहीं है और उछलंग होकर हल्के संग में जा रहा है तो आप रोको और रुके तो उतना रोको, अथवा अच्छे रंग संग में भी जाता है घूमता है तो आप रुके उतना रोको, नहीं रुकता है तो तेरी मर्जी पूर्ण हो, ईश्वर की मर्जी पूर्ण हो। जब ईश्वर की मर्जी के आड़े आते हो तब रोना पड़ता है, ईश्वर की मर्जी के आड़े आते हो तब चिंता में तपना पड़ता है, चिंता से भी चिंता करना।
नहीं तो चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं। जो उसने किया है नियति है वैसा होता है, अपना कोशिश किया लेकिन नहीं होता है तो तेरी मर्जी। ऐसा नहीं कि हर हाल में तेरी मर्जी करके आप पलायनवादी बन जाओ, आलसी बन जाओ, जो कुटुंब निभाई जो जैसा करे, नहीं। लेकिन अपने तरफ से शास्त्र के अनुकूल आप करो, लेकिन फिर फल जो मिले तेरी मर्जी पूर्ण हो। फरियाद करेगा तो दुखी होगा, ममता सुबाएगी, कई बेटे कहीं घूम रहे लेकिन मेरा बेटा चला गया, क्या खाता होगा, कहाँ होगा, क्या करेगा, बिगड़ न जाए सुधर न जाए। तेरा बेटा तो अभी हुआ है, ईश्वर का बेटा तो करोड़ों जन्मों से है वो, और तू तो यही है अपने घर में भैया, लेकिन ईश्वर तो उसके साथ भी है और जहां जाएगा वहां ईश्वर तो है, फिर तू क्यों पचमरे। उस ईश्वर की शरण जाके, ईश्वर सृष्टि करता है और तेरी सृष्टि से तो बाहर मेरा बेटा जाएगा नहीं, और मेरा बेटा ये मेरी ममता है, वास्तव में वो तेरा ही बेटा और मैं भी तेरा बेटा हूँ, वो तेरी बेटी है मैं भी तेरी बेटी। इस प्रकार ईश्वर से स्नेह करके आप शांत होते हो तो ईश्वर की शरण जाओ, ये बेटा तो आएगा, उसका बाप भी ठीक रास्ते आ जाएगा, क्योंकि आप ईश्वर की शरण गए तो आपके संकल्प में बल बढ़ जाएगा, आप ममता की शरण जाएंगे तो बीमारी का बल बढ़ जाएगा, चिंता का बल बढ़ जाएगा, मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, भावनात्मक तनाव, ये तनते जाएंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। तुम दुखी क्यों हैं? कि हम ईश्वर की शरण विश्रांति नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम दुखी। तो एक साधन, सुंदर साधन मिला है, संसार के तापों में तपने वाले व्यक्ति के लिए योग परम औषध है, नारद जी ने लाखों वर्ष पहले कहा। लेकिन आज का आदमी वैसा योग प्राचीन के काल के शरीर और प्राचीन काल के तन और व्यवस्था के अनुसार तो आज का आदमी नहीं कर सकता है, तो वो ईश्वर ही आज के आदमी के अनुसार सुझाने की व्यवस्था करता है। सचमुच में व्यास भगवान तो भगवान ही व्यास है, कभी वशिष्ठ किसी कल्प में, किसी युग में वशिष्ठ जी व्यास बनकर आए थे, किसी युग में पाराशर व्यास बनकर आए थे, किसी युग में अलग अलग ऋषि 28 में व्यास हैं ये, तो पाराशर भी व्यास बने थे और अब भी इन व्यास के बाद दूसरे अश्वत्थामा व्यास बनेंगे, ये नियति पहले से है। जो अश्वत्थामा चिरंजीवी है वो अनुभव के धनी है, इस युग के बाद के जो व्यास जी बनेंगे वो अश्वत्थामा बनेंगे, आपके शास्त्रों में पहले कह दिया है, 29 में व्यास अश्वत्थामा बनेंगे। अभी के व्यास कृष्ण द्वैपायन बने, उनके पहले के व्यास बस और पहले पहले के कहीं वशिष्ठ हैं तो कहीं पाराशर हैं, अर्थात व्यास के पिता भी कभी व्यास बने थे, अभी जो व्यास के पिता है किसी युग में। ये महापुरुषों का आयुष्य और संकल्प आप हम तोल नहीं सकते। मुक्त हो गए, ब्रह्मज्ञान हो गया, मुक्त हो गया, लेकिन मुक्त हो गया फिर भी वो चाहे तो जब जहां प्रकट हो जाए, ये तो उनकी मुक्तता है, कोई बंधन नहीं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परमात्मा की शरण एकाकार हो गए, बूंद सागर से एक हो गए। चलो बूंद को बेचारे को मोक्ष मिल गया, लेकिन वही बूंद का पानी कहीं तरंग के रूप में और कहीं फिर से बुलबुले के रूप में भी तो प्रकट हो जाएगा, पूरा सागर बन गए। अब ऐसे जीव ब्रह्म बन गया, फिर कहीं किसी भी जगह वो ब्रह्म अपनी लीला करे। ऐसा नहीं कि मुक्त हो गए तो बस सुन्न हो गए, ऐसा नहीं। सुन्न हो गया तो सुन्न को जानने वाला तो कोई है, सुन्न को देखने वाला है, जो सुन्न को देखता। बुद्ध धर्म की यात्रा और सनातन धर्म की यात्रा में बस यहां रुकावट आती, कुछ नहीं कुछ नहीं, परम शांति परम शांति, कुछ भी नहीं। तो आखिरी सत्य क्या है? बुद्ध चुप हो गए मौन। तो मानने वालों ने मान लिया कि आखिरी सत्य यह है कि सुन, लेकिन शंकराचार्य ने पर्दा हटाया कि आखिरी सत्य सुन है, यहां रुको मत भैया, आखिरी सत्य सुन है, इसको जानने वाला कौन है? सुन स्वयं प्रकाश है कि पर प्रकाश है?